जागो लाहौर में वापस आ गए छोटी सी ब्रेक के जी बिल्कुल लेकिन आज तक हम अभी तक वैसे वापस नहीं आ सके जैसे मैं चाह रहा हूँ और अरमला ने एक दफा नहीं मैं आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दी पता नहीं यार मुझे नहीं लगता हालांकि जब आप सुनेंगे ना जब जिस तरह अरमला ने मुझे ऑफ एयर कहकर कहा है सलाम तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे क्यों फील करेंगे अरमला पता नहीं क्यों नहीं ऐसे हो सकता कुछ लोग अनाव भी हो जाए चलिए जी अब बातें करते रहेंगे अब अपनी अगली गेस्ट को बुला लेते हैं जो सियासतदान है ठीक है सादिया सुहेल राणा एक जानी मानी सियासतदान है पीटीआई से इनका ताल्लुक है 2013 के जनरल इलेक्शन में पंजाब प्रोविजनल असेंबली ऑफ पंजाब की ये मेंबर बनी और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी है पंजाब वेमेन विंग की तो सादिया सुहेल राणा को वेलकम करते हैं उनसे इनकी सियासी और घरेलू जिंदगी के बारे में भी जानते हैं वेलकम करते हैं सादिया सुहेल राणा का अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र आप प्लीज तशरीफ रखिए थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया कि आप जागो लाहौर में आई और इतनी सुबह जो है हम लोगों को बुला लेते हैं और हमें बस यही होता है कि जल्दी उठते हैं कि नहीं उठते हैं यही सबसे पहला सवाल करते हैं हमारा तो आजकल इजलास चल रहा है बिल्कुल वैसे भी जल्दी उठ के जाना ही होता है मैं वैसे भी बहुत लेट तक नहीं सो सकती बहुत सारे काम होते हैं मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मॉर्निंग के लोग अगर आपने मॉर्निंग एंजॉय नहीं की सुबह की जो एक शगुफ्तगी और एक पुरफिजा होता है जब आप देर से उठते हैं ना जैसे लगता है दिन भी बड़ी जल्दी खत्म दिन जाया हो जाता है ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारा कुछ टाइम जो है वो जाया कर दिया हालांकि मैं काफी लेट सोती हूँ ये मेरी गलत आदत है जिसमें मुझे बहुत डांट पड़ती है अपने मियाँ से लेकिन ये होता है कि मुझे लगता है कि ज्यादा सोने से कि जैसे टाइम जाया हो कुछ बहुत कुछ करना और बस ऑलरेडी जो है वो सो के अपना बहुत सारा टाइम जो है वो गुजार खो देते हैं बिल्कुल अच्छा जी पॉलिटिक्स ज्वाइन की पीटीआई क्यों की ये इसलिए कि मेरा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई इरादा ही नहीं था और एक आज से 12-13 साल पहले एक जलसे में 25 लोगों के जलसे में खान साहब से मुलाकात हुई और जो उनके ख्यालात सुने और जो उनकी बात सुनी जो वो बोल रहे थे तो वो बोल रहे थे और मेरे दिल में उतर रहा था क्योंकि वो इतनी सच्चाई से बात कर रहे थे और पाकिस्तान के लिए जो उनकी मोहब्बत थी वो तो खैर कोई सेकंड क्वेश्चन ही नहीं है वो उनकी क्रिकेट का देख लें शौकत खानम देख लें तो वैसे एज ए क्रिकेटर तो वैसे ही आप उनको पसंद करते ही थे लेकिन जब मैंने देखा कि एक ट्रू लीडर जो सही मानों में पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है तो फिर ख्वाहिश हुई कि इनके साथ काम किया जाए और काम करते करते कब इतना इन्वॉल्व हुई और बिलीव कीजिए मेरे एजेंडे में ना एमपीए बनना था ना कोई किसी सियासी पोस्ट के लिए था तो सबर भी नहीं था सिर्फ था कि काम करना पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि यही जज्बा होना चाहिए कि अगर लीडर आपको ऐसा मिल जाए जिसका मंशूर अच्छा हो जो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हो जैसे मेरा ख्याल है कि जो दो उन्होंने बातें की थी जो बिल्कुल हर कोई उससे एग्री करता है इसके पाकिस्तान के लिए एजुकेशन एक तो बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम अच्छी हासिल करें और सेकंडली ये कि यहाँ पे इंसाफ सबको मिलना चाहिए देखिए ये चीजें माशरे में ना हो तो वो माशरा नहीं चल सकता बिल्कुल वो कहते हैं जुल्म का निजाम चल सकता है लेकिन इंसाफ के बगैर जो है ना वो नहीं चल सकता ये तो एक बेसिक नीड्स है और आज हमारे जितने भी मसाइल हैं उनकी बेसिक वजह यही है कि आपको इंसाफ माशरे में एक इंसाफ कायम नहीं है अमीर है जो अमीर तर है गरीब गरीब तर है इन तमाम चीजों की वजह से ही बेसिक मसाइल एक बहुत बड़ा डिवाइड है बिल्कुल बहुत बड़ा डिवाइड है और यही सारे क्राइम्स की वजह है फ्रस्ट्रेशन की वजह है आज हम जो दहशत गर्दी का सहूलत कार हमारे तो वो इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से बने हैं बिल्कुल देखें अभी दो दिन पहले ना जो अरमला शो के बिल्कुल आखिर में एक बड़ी अच्छी बात आती है तो शेख सादी का इन्होंने कॉल शेयर किया था जिसमें था कि जो आपका रिज़्क की ज्यादती और कमी। दोनों ये इसकी तरफ बुराई की तरफ लेके जाती है। देखिए इस्लाम में जो इस सिस्टम है ना ज़कात का सदके का वो इसीलिए कि माशरे में बैलेंस रहे अमीर जो है वो अमीर तरना हो वो अपने साथ जो पैसा थोड़ा बांटे और जो गरीब है वो गरीब तरना हो वो भी कहते तंगदस्ती अगर ना हो तो गालिब तंदरुस्ती हजार नेमत है मतलब तंदरुस्ती भी तंगदस्ती अगर है तो आप उसको नहीं कर नहीं सकते सेहत भी जो है उसके लिए भी आपको जरूरत है पॉलिटिकल लाइफ और फैमिली लाइफ कैसे मैनेज कर लेती है ये इसके लिए ये होता है कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है इसमें ये होता है कि जो सबसे ज्यादा सफर इसमें कर रहा है वो मेरी अपनी जात है मतलब मैं वॉक का टाइम नहीं निकाल सकती आपको मेरी सेहत से ज्यादा हो रहा होगा नहीं सेहत से वैसे आप लाहौरी भी लग रही हैं और मैं कश्मीरन हूँ इसलिए कश्मीरी लाहौरी भी और कश्मीरी भी तो वो माशाल्लाह सेहत तो वैसी होती है उनकी लेकिन ये होता है कि जैसे वर्कआउट का टाइम कोई प्लान प्रॉपर डाइट प्लान हो आपका और फॉलो करें कोई डॉक्टर बीमारियां हैं तो वो चलती रहती हैं आप इग्नोर करते रहते हैं टाइम नहीं है सोने का टाइम नहीं है पार्टियां अटेंड करने का टाइम नहीं है सोशल लाइफ भी फ्रेंड्स लाइफ भी खत्म हो जाती है और कभी बैठ के कोई फिल्म कोई म्यूजिक उसका टाइम बिल्कुल माइनस हो गया अपने लिए बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं लेकिन है कि मैं कोशिश ये करती हूँ घर को
अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, यानी हस्बैंड सुनेंगे तो डांट लेंगे झूठ बोल रहे हैं, घर जाके पूछेंगे हाँ भी केड़े टाइम थी घर का, उनको शिकायत रहती है क्योंकि मैं बहुत ही खिदमत गुजार किस्म की बीवी हुआ करती थी। नाखून भी काटने, सिर पे तेल भी लगाना और सारे काम करना, खाने भी बना के खिलाना, खाना भी अच्छा बनाती हूँ, बनाती हूँ ईद शबरात में जो कभी कभी हरीसा तो बनाना आता होगा, हरीसा भी शब देख भी सारी चीजें आती है। वाह खान साहब आपने क्या क्या छीन लिया इनके मियां से, ये इंसाफ नहीं है सर। जिस दिन आप नहीं हुआ, जिस दिन मैं पार्टी ज्वाइन किया मेरे बेटा मुझे लेके गया, वो छोटा सा था तो वो उस जलसे में काम कर रहा था, खान साहब की का फैन तो सभी हैं, वो तो सारे वॉलंटियर्स होते हैं, देखने के लिए गया, मुझे भी ले गया, वहीं मैं मेंबर बनी और अगले दिन से काम पे लग गई। मेरे मियां ने कहा बेटा तूने अब माँ आज खो दी। अच्छा वो कहते ना पॉलिटिकल या जो काम करती है वर्किंग वुमेन, हालांकि मोस्टली मैनेज भी कर लेती है, कुछ को आता है कि आहिस्ते से टाइम लगता है मैनेज करने में, हमारी टाइमिंग इस तरह की गड़बड़ हो जाती है कि मैं घर जब पहुंचती हूँ तो मेरे मियाँ जल्दी सोते हैं, अब मैं लेट सोती हूँ और वो बेचारे जल्दी उठ के चले जाते हैं और मैं सोई होती हूँ उस टाइम। ये तो बिल्कुल वो जो वेस्टर्न माशा हम सुनते थे ना कि वहाँ पे ऐसा होता है इफ बोथ आर वर्किंग तो कई दफा ऐसा होता है कि मुलाकात होती नहीं है। हाँ नहीं नहीं लेकिन है कि कोशिश मैं ये करती हूँ कि कोई उनकी जरूरत काम और उनका मैनेज करूँ और खुश करने की भी कोशिश करती हूँ कि भाई राजी रहे, ये क्योंकि लेकिन बच्चों की तो पूरी सपोर्ट है, बच्चों का तो फुल सपोर्ट है और बच्चों के साथ बच्चे मेरे साथ लेट तक जागते भी मूवीज भी देख लेते हैं। बच्चों का भी पॉलिटिक्स में आने का कोई है? बच्चों में मुझे अपने दो बच्चों में जरा सीम लगते हैं, एक तो बेटा मेरा जो मुझे लेके गया था वो बड़ा है, वो जब छोटा सा था तो उसकी शर्ट पे उसने एक शर्ट पसंद की अपने लिए, वो टाइगर होता है, हाँ, उसको लिखा हुआ था नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा अरे वाह, मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ जरा सीन कोई पता नहीं होता कब सुनी जाए। मेरी छोटी बेटी वो काफी मेरी हेल्पफुल भी है, दरमियान वाली का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मीडिया पे भी बल्कि बात शायद कर लेती है, कोई इशू हो तो मीडिया की हो तो बड़ा खुशी खुशी बात कर लेती है, उसमें मुझे लगते हैं। बाकी है कि हमारा कोई वो निजाम तो है नहीं कि फैमिली प्रोडक्शन होगी कि जी मैं गई हूँ तो मेरे बाद फैमिली लिमिटेड है कि जिसने आना है, जो अगर कोई इंटरेस्ट होगा यहाँ तो हाँ, क्योंकि खान साहब ने हमेशा मेरिट की बात की और तरीके साहब जो ये कहती है कि जो हमारी यूथ है उसको आगे आना चाहिए और उसको मौके मिलने चाहिए, बिकॉज मेरिट पे अगर बात होगी तो जो भी ओहदा है अगर वो मेरिट के थ्रू हासिल किया जाए तो जो भी आ जाएगा वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। आप यकीन मानिए कि मेरी अपनी आज जो मैं बैठी हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के मेरिट का एक मुंह बोलता सबूत इसलिए हूँ कि मैं पीटीआई की वर्कर हूँ, ग्रास रूट वर्कर, मैंने यूनियन काउंसिल लेवल से काम शुरू किया, पीपीपी किया, प्रेसिडेंट लाहौर 4 साल रही, सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन लड़के बनी और उसके बाद प्रायोरिटी नंबर 1 पे आई और पीटीआई की हिस्ट्री की पहली पंजाब की एमपी, अगर कोई हिस्ट्री लिखी जाएगी तो पहली कौन थी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम होगा। और मैं ना खान साहब की कोई रिश्तेदार हूँ, ना मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना मैं कोई करोड़पति हूँ, वेरी आम पाकिस्तानी, रैंडम पाकिस्तानी, उठी एक दिन बस एक मेंबरशिप फॉर्म किया, फिल किया, अगले दिन कॉल रिसीव किया, उसके बाद से काम। नाउ यू आर सर्विंग द पीपल जो आपकी जो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये पॉलिटिक्स में एज अ फीमेल काम करना कैसा लगता है? देखिए पॉलिटिक्स में जो इससे एक लोगों का इम्प्रेशन था कि ये तो बहुत ही गंदी चीज है, इसमें तो औरतों का नहीं जाना और जो औरतें जाती है, लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है जो आपके और जो एक लोगों का सोच है ना हमारे माशरे में, ये अलमिया है कि जो औरतें घरों से काम करने के लिए बाहर निकलती हैं, लोग समझते हैं ये शायद इजी टारगेट है, इसको ये शायद हमारे लिए निकली है। ऐसा नहीं होता, जो औरत घर से बाहर निकलती है ना बहुत बहादुर होती है, वो बहुत माशाल्लाह मैं समझती हूँ ताकतवर होती है, कुछ कमजोर नहीं होती, बिल्कुल उसकी इज्जत करना हमारा सबका फर्ज है, वो ख्वाह कोई भी काम हो, वो ख्वाह करोब हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, बीच की भी कोई लाइन हो, पार्लर में काम करती हो, टीवी पे काम करती हो, मीडिया पे, आज माशाल्लाह कितनी नौजवान और कितनी खूबसूरत बच्चियां मीडिया पे काम कर रही हैं, और स्क्रीन के ऊपर भी स्क्रीन के पीछे भी, बिल्कुल प्रोडक्शन में भी माशाल्लाह इतने अच्छे लोग हैं जो कि काम करते हैं, और खुशी होती है कि ये बहादुर लड़कियां जिन्होंने ये चैलेंज लिया और फेस किया। सियासत में भी बहुत खवातीन के लिए मुश्किलात थी, लेकिन मेरी समझती हूँ कि मैं लकी हूँ कि मैंने एक ऐसी पार्टी चूज की कि जिसका लीडर औरतों की इज्जत करना जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारा जितने भी पार्टी के लोग हैं कभी आज तक किसी मेल से, मैं ऑन द रिकॉर्ड और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, कभी कोई हरासमेंट हमें फेस नहीं करनी पड़ी, कोई ऐसी बदतमीजी बदसलूकी। फिर रेहम खान को क्यों ऐसा फील हुआ? तुम कहाँ से सवाल निकालते हो, चुप करके बैठ जाओ। पता नहीं उनसे किसी को हरासमेंट ना फील हुई हो, बाकी अलग क्या कर रहे हैं।
मैं ना इस चीज के लिए तलाकों के बाद मैं बिल्कुल ब्लेम गेम पे बिलीव नहीं करती. देखिए मैं समझती हूँ दो लोग अच्छे इंसान होते हैं और वो साथ समटाइम रह पाते हैं लेकिन अपनी अपनी जगह वो दोनों अच्छे होते हैं लेकिन समटाइम उनका साथ है कि आपस की जो केमिस्ट्री है वो इतना नहीं मैच करती. तो रेहाम अपनी जगह बहुत अच्छी खातून है, बहुत काम कर रही है, एक सिंगल मदर है, ये भी बड़ी स्ट्रगल होती है. और खान साहब तो खैर खान साहब है. हाँ ये तो है, उनका कोई जोड़ नहीं है जी. बिल्कुल जी. चलें जी, थैंक यू सो मच आप आए साजिद साहब, आपने इतना टाइम दिया. वी विश यू ऑल द बेस्ट बिकॉज़ अगर आप निकली हैं आवाम की खिदमत के लिए तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप इंशाल्लाह करती रहेंगी. थैंक यू सो मच. जरूर इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे पास और भी है जिन्हें हम आपसे मिलवाना है और बहुत सारी बातें बनानी है. टैलेंट हमारे साथ मौजूद है तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं.